हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिटिकल टेक चैनल। और आज हम रिव्यू करेंगे ऑप्टिक्स का हॉट एयर ओवन, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं और हाउ कैन वी फिल द डॉक्यूमेंट्स इन अ लैबोरेटरी। दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर फार्मा, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स एंड वट एवर इन सेक्टर यू आर वर्किंग, बिकॉज हॉट एयर ओवन हर जगह आपको यूज मिलेगा लैबोरेटरी में। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए फॉर एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशंस एंड व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू हैंडल द एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मेंस चालू करने जा रहा हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है वोल्टेज। तो हमारा वोल्टेज कॉन्स्टेंट आना चाहिए, अगर वोल्टेज कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, फ्लक्चुएट होगा, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है वोल्टेज। तो वोल्टेज कॉन्स्टेंट आना चाहिए, या तो आप अपना इंस्ट्रूमेंट यूपीएस से कनेक्ट करें या उसको स्टेबलाइजर से पावर कॉन्स्टेंट रखें। तो मेंस अब चालू कर दिया है, आप देखना मेंस चालू हो गया और यहाँ पे फैन ऑन था, मैंने उसको ऑफ कर दिया है। फर्दर मैं इसको ऑन करूँगा, आप साउंड देखना फ़ैन का, और ये चालू कर दिया फ़ैन। तो फ़ैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हॉट एयर ओवन में। हम लोग कभी क्या होता है, फ़ैन ऑफ कर देते हैं और टेम्परेचर वेरी करता है और जल्दी से सेट भी नहीं हो पाता। तो फ़ैन ऑन होगा तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहेगा और अपर किस लोअर किस में सेम टेम्परेचर बना रहेगा। तो फ़ैन हमको ऑलवेज ओपन रखना है, अगर ओपन नहीं रखेंगे तो टेम्परेचर वेरी करेगा और ऑडिटर हमारी एनसी लगा सकता है, क्योंकि वो चेक करेंगे तो बाई थर्मामीटर जो क्वालिटी चेक होता है उसमें फेल हो जाएंगे, और जो इंटरमीडिएट चेक्स होते हैं हॉट एयर ओवन का उसमें भी हम फेल हो जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमको फ़ैन ऑन करके रखना है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हॉट एयर ओवन के लिए। तो अभी हमने 3 स्टेप सीखे हैं। सबसे पहले मेंस हमने ऑन करा, देन हीटर, देन फैन। तो ये 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट रखने हैं हॉट एयर ओवन स्टार्ट करने के लिए। और अब हम मूव करते हैं अपना, ये डिजिटली आप देख रहे हैं टेम्परेचर जो आपको ग्रीन में दिख रहा है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे हमने मेंटेन कर रखा है, सेट कर रखा है एक तरीके से। और 7 है जो स्टैम एक्चुअल टेम्परेचर हॉट एयर ओवन के अंदर का। तो आप ये जैसे देख रहे हैं, जैसे मैं इसको टेम्परेचर सेट बटन दबाया तो ब्लिंक करने लगता है। सेट दबा के मैं इसको अप और डाउन से बढ़ा भी सकता हूँ और डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं इसको डिक्रीज़ कर रहा हूँ टेम्परेचर, और अब मैं एरो की से अप भी कर सकता हूँ। तो हमारे दोनों फंक्शन है ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी हॉट एयर ओवन में। और फिर मैं उसको सेट बटन दबा दूँगा तो वो 80 पे सेट हो जाएगा। तो अभी एक्चुअल टेम्परेचर 73 है, देन 80। अब हम ऑटोमेटिक ग्रेड इसे मैनुअली हैंडल करते हैं, और मेटेलिक का बना हुआ है टोटल, और ड्राइवन बाय इलेक्ट्रिसिटी से ये ड्राइवन है, और इसमें ऑटो कट है और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स भी इसके साथ मिलते हैं, और लॉन्ग फंक्शनल लाइफ है। अब हम इसको ओपन करते हैं, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 128 लीटर है। और जैसे आप देख सकते हैं अपर एंड लोअर केसेस हैं इसमें, टोटल 3 है केस, और यहाँ पे भी टेस्ट ट्यूब हमने रख रखा है 80 डिग्री सेल्सियस पे, हमने इसको मेंटेन कर रखा है। और जो एक्चुअल टेम्परेचर जैसे आप देख रहे हैं 73, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जो उसके कैप होते हैं, ये लेफ्ट और राइट साइड होते हैं, तो ये हमको ओपन करके रखना है, क्योंकि जब हम इसको हीट करते हैं, जैसे कोई ड्राई करने के लिए हम ग्लासवेयर्स रख देते हैं तो वो वेट रहते हैं, तो जब वेपर्स फॉर्म में बनते हैं तो वाटर वेपर में क्रिएट होते हैं, तो वो अगर ये ओपन नहीं होंगे तो वाटर वेपर यहाँ से निकलेंगे नहीं और वो सीधा हमारे कोइल में जाके कोइल को डैमेज कर देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो इनके जो ईयर कैप हैं वो ओपन रखने हैं, लेफ्ट और राइट। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमको लेफ्ट और राइट कैप ओपन रखना है। और ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी ISO 9001:2008 सर्टिफाइड है, और टेस्ट हो चुका है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। और अब हम वेट करते हैं, आफ्टर 10 मिनट्स चेक करेंगे हमारा एक्चुअल टेम्परेचर और सेट टेम्परेचर इक्वल होते हैं या नहीं। ओके फ्रेंड, जैसे आप सामने देख रहे हैं दोनों टेम्परेचर सेम हो चुके हैं, 80 हमने सेट किया था और हमारा 80 टेम्परेचर आ चुका है। दैट मीन हॉट एयर ओवन अच्छे से वर्क कर रहा है। और अब हम डॉक्यूमेंट की तरफ मूव करेंगे, किस तरीके से हमको डॉक्यूमेंट फिल करना है। टेम्परेचर रेंज जो है इसका +1°C है, और ये सामने आप SOP देख रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम इसके क्वालिटी कंट्रोल कैसे फिलअप करते हैं डॉक्यूमेंट वो देखेंगे। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं कैलिब्रेशन रिकॉर्ड ऑफ हॉट एयर ओवन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल अप इन ए लेबोरेटरी। तो हम 1 by 1 देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं लेफ्ट से इंस्ट्रूमेंट ID नंबर लिखना है हमको, वो हर लेबोरेटरी का अलग अलग होता है। और फिर हमको रेफरेंस और SOP, रेफरेंस और SOPs में जैसे हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है,
और हर लेबोरेटरी की अपनी SOPs होती हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट, तो हमको SOPs का यहाँ पर फिल रेफरेंस नंबर लिखना है। ओके फ्रेंड्स, अब मेक की तरफ आता है। यहाँ पे आप मेक लिख सकते हैं कौन सी कंपनी का हॉट एयर ओवन है, जैसे कि ये ऑप्टिक्स का है तो यहाँ पे ऑप्टिक्स हॉट एयर ओवन लिखेंगे, कौन सा मॉडल नंबर है, क्योंकि ऑप्टिक्स के बहुत सारे मॉडल्स आते हैं तो यहाँ पे आप मॉडल नंबर लिखेंगे, तो हर कंपनी का अलग अलग मॉडल है वो आप लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं डेट ऑफ कैलिब्रेशन। तो डेट ऑफ कैलिब्रेशन में हम कब इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया है वो लिखेंगे। तो हॉट एयर ओवन को हम कैलिब्रेट 15 डेज में भी कर सकते हैं या मंथ में 3 times भी करते हैं 10 डेज का गैप देके, वो हर लेबोरेटरी पे वेरी करेगा जैसे आपका यूजेज है उसके अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसको हॉट एयर ओवन को कैलिब्रेट करते हैं बाई थर्मामीटर। तो यहाँ पे हम डेट ऑफ कैलिब्रेशन लिखेंगे, जैसे हम 15 डेज में कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे और नेक्स्ट डेट लिख देंगे 15, और फिर नेक्स्ट आता है लोकेशन। तो हर इंस्ट्रूमेंट का आपकी अकॉर्डिंग आप लोकेशन लिखेंगे, आपने कहाँ पे रखा है, कौन से रूम में रख रखा है, या जनरल लैब में लिखा है, या वेट एनालिसिस में रखा है, या इंस्ट्रूमेंटेशन, वट एवर यू आर लोकेट योर इंस्ट्रूमेंट। फिर आता है फ्रिक्वेंसी, आप मंथली कर रहे हैं या आफ्टर 15 डेज, तो आप टिक कर दीजिए। अब मूव करते हैं लोकेशन अपर सेल्फ और लोअर सेल्फ की। अब हम टेम्परेचर रिकॉर्ड चेक करेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट सही से वर्किंग कर रहा है या नहीं, 80 डिग्री सेल्सियस हमने सेट किया है तो 18 आता है या नहीं आता है, तो उसके लिए हम इसको कैलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ सेट टेम्परेचर में लिख देंगे 80 डिग्री सेल्सियस, फिर हम उसको आफ्टर 30 मिनट्स देन हम ऑब्जर्व करेंगे कि 80 डिग्री सेल्सियस का कितना एक्चुअल टेम्परेचर आ रहा है बाई थर्मामीटर, उसमें हम ऑब्जर्व टेम्परेचर लिखेंगे। हमारी टॉलरेंस लिमिट प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो हमारा आउट ऑफ लिमिट हो जाएगा और रिजल्ट नॉट सेटिस्फैक्ट्री हो जाएंगे। यहाँ पे ऑब्जर्व लिखेंगे हम सेटिस्फैक्ट्री है नॉट सेटिस्फैक्ट्री, और नीचे एनालिस्ट के साइन होंगे और चेक बैग में टेक्निकल मैनेजर या क्वालिटी मैनेजर साइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कैलिब्रेशन बहुत बड़ा पार्ट है हर इंस्ट्रूमेंट का, तो ये आपको मैंने बेसिक पॉइंट बता दिए हॉट एयर ओवन को किस तरीके से कैलिब्रेट करना है। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए कैलिब्रेशन रिकॉर्ड का, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए फॉर फर्दर वीडियो ऑन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशंस।